क्लास इंग्लिश बी कोर। तो जैसा कि तुम लोगों को मालूम है कि मैंने फुटप्रिंट के अंदर अब तक जो कराए हैं वो तुम लोगों के 8 चैप्टर है, जिसमें से हमने लास्ट चैप्टर कर लिया है जो कि चैप्टर नंबर 8 था, जिसके अंदर हमने कहानी बहुत बढ़िया बढ़िया पढ़ी थी। अब समय आ गया है कि अब हम चैप्टर 9 के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को देखें। देखें क्या, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, देखने से क्या होता है, देखने को तो हम पिक्चर भी देख सकते हैं, ठीक है। मुद्दे की बात है कि हम उन क्वेश्चंस को करें, सीखे, समझे और क्वेश्चंस के अंदर क्या है उनको पढ़े और लिखे और उनको याद करें, उनकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। तो मुद्दे की बात है चैप्टर 9, जिसका नाम है भोली। ये लड़की नाम के लिए भोली है, बहुत कमाल का दिमाग इसने भगवान से पाया है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस हिसाब से ये लड़की है उस हिसाब से हर एक लड़की को होना चाहिए, बिल्कुल निडर, बिल्कुल निष्पक्ष, सही फैसला लेने वाली और गलत का साथ ना देने वाली ये लड़की है, जिसका नाम यहाँ पर क्या बताया गया है, भोली। भोली एक ऐसी लड़की है जिसके साथ वैसे तो काफी अलग अलग तरह की घटनाएं हुई भी है। ये ठीक तरह से बोल नहीं पाती है, बचपन में इसको काफी सारी दिक्कतें रही है, दूसरी लड़कियों से बिल्कुल हटकर है, इसके चेहरे पर कुछ अजीब से मार्क्स बने हुए, निशान बने हुए, जिसकी वजह से ये काफी अगली दिखती है। अगली मतलब अजीब दिखती है, मतलब जैसे लड़की होनी चाहिए खूबसूरत होनी चाहिए, सुंदर होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए लड़की, ऐसी कोई खूबी इस लड़की के अंदर नहीं है। लेकिन इतनी सारी कमियों के बाद भी ये लड़की बहुत ही कमाल है और बहुत ही बेहतरीन लड़की है, बहुत ही हिम्मत वाली और बहुत ही निडर, तुम लोगों की तरह नहीं, बेवकूफ नंबर वन, बहुत ही बढ़िया लड़की है ये। तो बचपन में लड़कियों के साथ क्या होता था, उनको स्कूल नहीं भेजा जाता था, लड़कियों के लिए स्कूल भेजना एक बहुत बड़ी बात होती थी कि हम स्कूल नहीं भेजेंगे, इसकी शादी वगैरह कैसी होगी। लेकिन इस लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने प्रॉपर तरीके से भोली के बारे में सारी बातें तुम लोगों को एक्सप्लेन करवा दी थी, स्टोरी समझा दी थी। अब समय आ गया है कि कुछ इसके शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस देखें। तो स्टार्ट करते हैं, नोट तुम लोगों के पास होना चाहिए, क्वेश्चंस तुम लोगों के पास इस समय होने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा समय वेस्ट ना करते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन, फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजंस इज भोली सेंट टू स्कूल। वो क्या कारण थे, अनयूजुअल का मतलब होता है बेमतलब के कारण, वो क्या बेमतलब के रीजन थे जिसकी वजह से भोली को कहां पर भेजा गया था, स्कूल भेजा गया था। तो देखो भोली को बचपन में कहां पर भेजा जाता था, स्कूल। भाई बचपन में भेजा जाता है, बुढ़ापे में कौन भेजता है, बच्चों को ही भेजा जाता है, बुढ़े लोगों को स्कूल भेजते हैं, बुढ़े लोगों को कब्रिस्तान भेजे सीधा, है ना। तो आंसर देखते हैं आखिर वो क्या क्या रीजन थे जिस वजह से भोली को कहां पर भेजा गया, स्कूल भेजा गया। भोली इज सेंट टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजा गया बिकॉज अ प्राइमरी स्कूल हैज बीन ओपन इन रामलाल विलेज। क्योंकि एक प्राइमरी स्कूल खोला गया था रामलाल के विलेज में, मतलब जहां पर उसके पिता, जिसका नाम क्या था, रामलाल, जहां पर उसके पिता रामलाल रहते थे उस गांव के अंदर क्या खोला गया था, एक प्राइमरी स्कूल खोला गया। और उस प्राइमरी स्कूल में किसको भेजा गया, भाई तुमको नहीं, तुम्हारे जैसे बच्चे नहीं पढ़ते ढंग से, भोली जैसे बच्चे पढ़ते हैं, मेरे जैसे बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। तो भोली को उस प्राइमरी स्कूल में भेजा गया। रामलाल बींग नंबरदार हैज टू सेट सेट एन एग्जाम्पल बाय सेंडिंग हिज डॉटर टू स्कूल। रामलाल सभी, रामलाल वहां का क्या था, नंबरदार था। नंबरदार एक एक स्टेज, एक लेवल होता है, एक उपाधि होती है, जो भी है मतलब ये, ठीक है। तो मतलब उसका नाम था नंबरदार, जो भी है। तो वो एक एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहता था, मतलब दूसरों के लिए एक मिसाल साबित करना चाहता था कि देखो मैंने अपनी लड़की को कहां पर भेजा, स्कूल भेजा, ताकि अगर मैं अपनी लड़की को स्कूल भेजू तो मुझे देखकर बाकी के सारे लोग भी अपनी अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना शुरू कर दें। तो वो क्या प्रस्तुत करना चाहता था गांव वालों के सामने, एक एग्जाम्पल, एक मिसाल साबित करना चाहता था, एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश करना चाहता था सभी गांव वालों के सामने। मोर ओवर भोली हैज अ लैक ऑफ सेंस, और इसके अतिरिक्त भोली के अंदर सेंस की भी कमी थी, मतलब चीजों को वो समझ नहीं पाती थी, थोड़ी सी दिमाग से भी कमजोर थी। दिमाग से कमजोर होना तो समझते हो ना, तुम लोग भी दिमाग से कमजोर हो वैसे। एंड हैज लेस चांसेस ऑफ गेटिंग मैरिड, और उसके शादी होने के भी कम चांसेस थे। तो इसलिए उसको स्कूल भेजा गया कि अगर ये स्कूल जाएगी और पढ़ लिख जाएगी, पढ़ी लिखी बन जाएगी, तो शायद इस लड़की से कोई ना कोई क्या कर लेगा, शादी कर लेगा, ठीक है। तो ये कुछ रीजन थे, बताओ है ना बेमतलब के रीजन, शादी करने के लिए पढ़ता है इंसान, दिमाग कम की वजह से पढ़ता है इंसान, इसलिए ये बेकार के रीजन थे जिसकी वजह से भोली को स्कूल भेजा गया। जबकि बच्चों को स्कूल इसलिए भेजा जाता है ताकि वो आगे जाकर एक कामयाब इंसान, एक इज्जतदार इंसान और एक बुलंद इंसान बन सके, समाज में सर उठाकर जी सके, अपने फैसले स्वयं खुद कर सके और सही और गलत का फैसला कर सके, इसलिए स्कूल भेजा जाता है। लेकिन इसको स्कूल इन रीजन से भेजा गया कि इसकी शादी हो जाए, इसके अंदर दिमाग की कमी थी, बताओ क्या क्या बातें थी। तो हुए ना अनयूजुअल रीजन, अनयूजुअल रीजन मतलब बेमतलब के कारण, आखिर वो कौन कौन से बेमतलब के कारण थे जिसकी वजह से भोली को कहां पर भेजा गया था, स्कूल। तो ये था इसका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डज भोली एंजॉय हर फर्स्ट डे एट स्कूल। क्या भोली ने अपना पहला दिन एंजॉय करा स्कूल में, भाई सीधी सी बात है, चाहे भोली हो चाहे भोला हो, कोई भी बच्चा हो, लड़का हो चाहे लड़की हो, छोटा हो चाहे थोड़ा सा बड़ा हो, ठीक है। पहला दिन तो देखो सबको अजीब लगता है, कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी जगह पे चले जाओ, स्कूल को छोड़ो, कहीं पर भी चले जाओ, पहला दिन तो थोड़ा सा अजीब ही लगता है, अजीब मतलब अपना सा नहीं लगता है ना, अच्छा नहीं लगता। तो ऐसी भोली के साथ हुआ, लेकिन धीरे धीरे हर एक चीज की क्या पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है, वही भोली के साथ हुआ। लेकिन फिर भी ये कि भोली के साथ ज्यादा कुछ खराब भी नहीं हुआ था, तो ज्यादा कुछ अच्छा भी नहीं हुआ। अब ध्यान से पढ़ते, खुद ही बातें थोड़ी ना बनाएंगे सारी। इनिशियली भोली फील अलोन, स्टार्टिंग में क्या था, इनिशियली का मतलब होता है शुरुआत में, इनिशियली का मतलब शुरुआत के दिनों में। तो शुरुआत के दिनों में क्या हुआ था, शुरुआत के दिनों में भोली क्या महसूस कर रही थी, अकेलापन। भाई सबको अकेलापन महसूस होता है ना, अकेलापन, मतलब कि उसका कोई फ्रेंड नहीं था, उसका कोई दोस्त नहीं था, वहां पर वो किसी को जानती नहीं थी, ठीक है। तो सबको अकेला लगता है, अकेलापन तो देखो लगता ही है ना। मुद्दे की बात ये है कि तुम उस अकेलेपन का कैसे क्या करते हो, इलाज करते हो, वो है मुद्दे की बात, ठीक है। तो अकेलापन सबको लगता है, डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है।
तो गला सूखता है तो पानी पी ले, इसमें कौन सी बढ़ने की बात है। एंड लुक्स अबाउट हर इन फियर, और उसको डर भी लग रहा था, मतलब उसके चेहरे पर क्या दिखाई दे रहा था, डर कि मैं अकेली हूँ इस पूरे स्कूल में। मतलब वैसे तो और भी बहुत सारे फ्रेंड, और भी बहुत सारे बच्चे थे, टीचर्स थे, लेकिन फिर भी ये अपने आप में अकेला महसूस कर रही थी। सून आफ्टर कुछ ही समय बाद, व्हेन शी सीज गर्ल्स ऑफ हर एज अराइविंग, जब उसने देखा वहां पर और भी लड़कियां हैं जो इसकी एज की हैं, मतलब इसकी एज की, इसकी जितनी लड़कियां वहां पर और थी, शी फील्स बेटर, तब इसको थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ। अच्छा महसूस होता है जब अपने जैसे कई सारे शैतान मिल जाते हैं तो खूब महसूस होता है। अच्छा, द कलर्ड पिक्चर्स मेक हर हैप्पी ऑन द फर्स्ट डे, तो जब इसने वहां पर कलर्ड पिक्चर्स देखी, मतलब जो पोस्टर्स लगे हुए थे, जो फोटोज लगी हुई थी क्लासरूम में, लाइब्रेरी में और भी कई जगह, तो उसको काफी अच्छा महसूस हुआ, है ना। ये काफी खुश हो गई, पागल हो गई तुम लोगों की तरह, है ना, जैसे तुम लोग हर समय पागल रहते हो वैसे ये भी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ वॉज द टीचर्स बिहेवियर टुवर्ड्स भोली ऑन हर फर्स्ट डे इन स्कूल। टीचर का जो वर्ताव था, टीचर का जो बिहेवियर था, मतलब टीचर का जो व्यवहार था भोली की तरफ, वो कैसा था। भाई सीधी सी बात है, देखो जो अध्यापक होते हैं, बच्चा चाहे कैसा भी हो, शैतान हो, कोई थोड़ा सीधा होता है, कोई थोड़ा चालू होता है, कोई दिमाग में तेज होता है, कोई थोड़ा सा वीक होता है ना, टीचर को एक जैसा व्यवहार करना चाहिए किसी के साथ, किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, है ना, नॉर्मल सिचुएशंस में। तो टीचर का तो बिहेवियर अच्छा ही होता है, टीचर कभी भी किसी का गलत नहीं करते, टीचर जो लोग होते हैं वो बहुत ही कमाल के लोग होते हैं, है ना। आफ्टर ऑल मैं भी एक टीचर हूँ, है ना, तो मैं अपनी बुराई कैसे कर सकता हूँ। ऑन द फर्स्ट डे इन स्कूल भोली वॉज टच बाय द सॉफ्ट एंड सूथिंग वॉइस ऑफ टीचर, तो जो पहला दिन था स्कूल में भोली का, उसके दिल को छू गया। मतलब पहला दिन जो टीचर का वर्ताव था वो कैसा था, सॉफ्ट था। सॉफ्ट मतलब मुलायम, यहाँ पर सॉफ्ट का मतलब यहाँ पर सॉफ्ट का मतलब ये नहीं कि मुलायम, सॉफ्ट का मतलब काफी दिल से, मतलब दिल को छूने वाला व्यवहार। टीचर का जो वर्ताव था वो दिल को बिल्कुल छूने वाला था। कहते नहीं है हम तो सॉफ्ट हार्ट के लोग हैं, किसी को दुख नहीं पहुंचाते, प्यारा, प्यार करने वाला। एंड सूथिंग वॉइस, सूथिंग वॉइस मतलब बहुत ही मीठी आवाज, बहुत ही प्यारी आवाज। कहते नहीं है यार ये मैडम बड़े प्यार से बात करती है, मैं अगर कुछ गलती भी कर देता हूँ तो भी बहुत प्यार से समझाती है, उसे कहते हैं सूथिंग वॉइस, दिल को छूने वाली आवाज। द टीचर आस्क भोली टू टेल हर नेम, तो टीचर भोली से पूछती है, मतलब उसका नाम पूछती है कि क्या नाम है तुम्हारा, भोली से। भाई पहले दिन तो ये पूछा जाएगा, भविष्यवाणी करके तो बैठी नहीं है टीचर की, सब कुछ मालूम होगा भोली के बारे में, है ना। तो सबसे पहले उससे क्या पूछती है, उसका नाम। भोली मेड एन एफर्ट, तुम्हें मालूम है ये मुश्किल से ही बोल पाती थी बचपन में, इसको बोलने में बड़ी दिक्कत होती थी। भोली मेड एन एफर्ट एंड टीचर एनकरेज हर, तो भोली हर प्रकार का प्रयास करती है, कोशिश करती है, और उसकी जो टीचर है उसको एनकरेज करती है। एनकरेज का मतलब होता है उसका साहस बढ़ाती है, उसको दिलासा देती है, उसके अंदर जोश जगाती है कि तुम कर सकती है, यू कैन डू इट, है ना, कहते नहीं यू कैन डू इट। तो हर टीचर उसको साहस देती थी, उसका दिलासा बढ़ाती थी, है ना, उसके उसको मजबूर करती थी कि वो कोशिश करे, है ना, आगे बढ़ने की कोशिश करे, एनकरेज करती थी। शी आस्क भोली टू कम टू स्कूल एवरी डे, उसकी टीचर अक्सर उससे कहती थी कि वो स्कूल आया करे रोज, कभी भी छुट्टी ना करे। देखो ये कितनी बड़ी बात होती है, एक बच्चे का जो दिमाग है उसका सही प्रकार से विकास करने में टीचर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। सबसे पहले टीचर होते हैं हमारे माता पिता, और फिर दूसरा टीचर वो होता है जो तुम्हारे भविष्य को बना रहा है, जैसे कि मैं, ठीक है। तो इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी लाइफ के अंदर, हमारे जीवन को बदलने के लिए, ठीक है। तो इनकी बातें हमेशा सुननी चाहिए, है ना, इसलिए मेरी बातें हमेशा सुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशंबर नाथ, भाई कितना बढ़िया नाम है विशंबर नाथ, मैं तो कहता हूँ दिसंबर नाथ होना चाहिए था, चलो क्या। विशंबर नाथ रिफ्यूज टू मैरी भोली, लेटर ही एग्रीड टू डू सो, वाई। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना। विशंबर नाथ पहले तो मना कर देता है भोली से शादी करने के लिए, और बाद में वो ऐसा करने के लिए मान जाता है, क्यों तुम्हें मालूम है ना, विशंबर नाथ एक नंबर का लालची इंसान था। जब उसको पता चला कि इस लड़की के चेहरे पर निशान है, तो उसने दहेज की मांग करी, उसने एक्स्ट्रा डोरी मांगी, एक्स्ट्रा दहेज मांगा। और जब उसके पिताजी ने, भोली के पिताजी ने उसको 5,000 रुपये नकद देने की बात करी, तब वो शादी करने के लिए तैयार हो गया। तो इससे पता चलता है कि विशंबर नाथ तुम लोगों की तरह एक नंबर का लालची इंसान था। विशंबर नाथ वॉज अबाउट टू गार्लैंड भोली व्हेन ही सो हर पॉक मार्क्स, जब उसके गले में वो हार डाल रहा था, भोली के गार्लैंड का मतलब होता है हार, तो उसने उसके क्या देख लिए, तब पॉक मार्क्स देख लिए। उसके चेहरे पर, उसके गर्दन पर क्या बने हुए थे, पॉक मार्क्स बने हुए थे, अजीब अजीब से निशान बने हुए थे, गोल गोल धब्बे बने हुए थे। अब बताओ ऐसी लड़की से कोई शादी करेगा, कोई नहीं करेगा। ही वॉज वेरी ग्रीडी, वो बहुत ही लालची था, एंड यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी टू आस्क फॉर डोरी, और उसे उसने इसे एक मौका समझा डोरी मांगने का, कि यही मौका है, मैं और दहेज मांगता हूँ। तो ऐसे में उसने तुरंत क्या करी, दहेज की मांग करी कि मुझको तो अब दहेज चाहिए, मैं शादी नहीं करूंगा इससे। ये गलत बात है। सो ही रिफ्यूज टू मैरी भोली, और इसलिए उसने मना कर दिया भोली से शादी करने के लिए। वेन रामलाल गेव हिम 5,000 रुपीज, और जब रामलाल ने उसे 5,000 रुपए दे दिए, ही एग्रीड टू डू सो, तब वो शादी करने के लिए फिर से मान गया, वो तैयार हो गया। लेकिन अब भोली का दिमाग खराब हो गया था, अब भोली की खोपड़ी खिसक गई थी, अब वो भोली भोली नहीं रही, अब वो गोली बन गई है कि नहीं। तो इससे पता चलता है कि विशंबर नाथ एक नंबर का लालची इंसान था,
और ऐसे इंसान से तो शादी करनी ही नहीं चाहिए जो सिर्फ शादी किसके लिए कर रहा है, पैसों के लिए, दहेज के लिए। ये बहुत ही गलत बात है।